भाई भोजपुरी के क्यों कई अभिनेता अभी भी कुंवारे हैं जबकि हो गई है उनकी शादी की उम्र, जैसे कि रितेश पांडे, प्रदीप पांडे चिंटू और अरविंद अकेला कल्लू। भाई ये सारे अभिनेता अभी भी कुंवारे क्यों बैठे हैं और इनके पीछे जितने भी स्टार आ रहे हैं वो भी अभी कुंवारे ही हैं, जैसे कि समर सिंह। अब भाई ये बताइए कि क्या कारण हो सकता है, क्योंकि शादी की उम्र तो इनकी हो चुकी है और धीरे धीरे इनकी उम्र अब आगे बढ़ती ही जा रही है और इतनी उम्र में आके तो लोगों की शादी हो जानी चाहिए। भाई जब इस बात की पड़ताल की गई तो पता चला कि भाई ये हमारे जितने भी भोजपुरिया स्टार से सुपरस्टार बनने वाले हैं ये अभी सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, जबकि गर्लफ्रेंड सभी के पास है। अरविंद अकेला कल्लू का नाम यामिनी सिंह से जुड़ा है तो प्रदीप पांडे चिंटू का अफेयर कईयों से हुआ है। और रही बात रितेश पांडे की तो भाई उनका नाम हाल ही में अक्षरा सिंह से जोड़ा गया है, लेकिन भाई ये सब सिंगल तो है पर मिंगल होना नहीं चाहते। इसके पीछे रीज़न हमेशा अपने काम को, अपने करियर को बताया गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि प्रदीप पांडे चिंटू के पापा और मम्मी दोनों चाहते हैं कि बेटा जल्द से जल्द घर बसा ले। और तो और अरविंद अकेला कल्लू के भाई की जब शादी हुई थी तब उनके पापा ने तो खुले तौर पर कह दिया था कि वो चाहते हैं कि अरविंद भी अपनी शादी जल्द से जल्द कर ले और हम अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए। वैसे रितेश पांडे की माँ तो उन पे लगातार प्रेशर बनाती ही रहती हैं जब वो बनारस में रहते हैं। कहा जाता है कि इन स्टार्स के लिए रिश्ते भी भर भर कराते हैं, लेकिन अपने कैरियर के इस मुकाम पर पहुंचकर वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। अब भाई शादी कैसी रिस्क, आपको अगर पता नहीं हो तो आप सभी जान लें कि भोजपुरी में जितने भी सुपरस्टार हुए हैं शादी के बाद हुए हैं। शादी से पहले उनकी किस्मत इतनी नहीं चमकी जितनी शादी के बाद चमकी है। वैसे इनके करीब रहने वाले लगातार लोग ये कह रहे हैं कि ये स्टार्स शादी तो करना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का फोबिया है कि शादी के बाद उनकी ज़िंदगी कहीं पहले से बिल्कुल बदल ना जाए। अब क्या है भाई, अब ये है कि भोजपुरी की किसी भी एक्ट्रेस के साथ इनका नाम जुड़ता है ये कह देते हैं कि उनमें एक गहरी दोस्ती है। अब शादी हो जाएगी तो जो ये बाहरी मामला है वो आंतरिक हो जाएगा, यानी कि ये बातें पत्नी के पास भी पहुँचेंगी। बाहर का मैटर तो सही रहता है लेकिन घर में आने के बाद अगर कोई किसी बात को लेकर किचकिच करे तो ये बात खल जाती है। बस यही सब कारण है कि हमारे भोजपुरिया स्टार्स अभी शादी करने के मूड में नहीं है। लेकिन भाई इन सब चीज़ों से आप बचेंगे कितना दिन, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी न कभी तो आप सभी को घोड़ी चढ़नी ही होगी। तो भाई ये शुभ काम में देरी कैसी, कहते हैं शुभम अतिशीघ्रम, तो भाई ये अच्छे काम को कर ही लिया जाए। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।